क्या आवाज़ कम है? KTM जैसा हाई रेविंग इंजन है बट थोड़ा सा कम है कंपेयर टू ड्यूक 200 और 390 और 250। जो थर्ड गियर है बहुत क्रूशियल है इस बाइक में। कैन राइड ऑन द थर्ड गियर वेरी इजीली। आई एम राइडिंग एट द थर्ड गियर, थोड़े भी जर्क नहीं दे रही है फिलहाल। इस बाइक पे सिंगल सीट चलाने का मजा अलग है। विल नॉट एक्सपेक्ट अ पिलियन ऑन दिस बाइक राइडिंग अलोन। मुझे बहुत मजा आ रहा है इस बाइक पे। सिटी कम्यूट्स के लिए बेस्ट है ये बाइक। अभी तक मैंने ज्यादा रेव नहीं किया, लेट्स सी। अभी फ्लैट रोड आएगा थोड़ा। KTM पावर है भाई, KTM पावर है, नो डाउट। जिस चीज के लिए KTM फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द परफॉर्मेंस, वो आपको जरूर मिलेगी इस बाइक में। बीइंग अ 125cc, कॉम्प्रोमाइज नहीं है पावर में अभी भी। लेट्स सी इफ वी कैन चेज द वैगनर। सी, पावर है बाइक में बट इट्स लीनियर। प्रॉपर लीनियर बाइक। बाकी बॉडी, चैसी, टायर वगैरह जितने भी पार्ट्स है मोस्ट प्रोबेबली ड्यूक 200 से शेयर किए जा रहे हैं। थोड़ा भी चेंज नहीं है इस बाइक में। ABS है कि और बहुत सारे चीज़ें इस बाइक में दैट विल बी सरप्राइज यू। बी फ्रैंक विद यू, KTM विल बी द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया हु इज गोइंग टू ऑफर ABS इन अ 125cc बाइक। 125cc की बाइक में अभी तक एक भी कंपनी ने ABS प्रोवाइड नहीं किया है दोस्तों। ऑल्सो मिरर वाइड है इसके, आई थिंक KTM ड्यूक 250 के मिरर्स हैं ये। अगर आपके पास एक ऑलरेडी एक बाइक है लाइक सुपर बाइक है और आपको सिटी कम्यूट्स के लिए कोई एक थोड़ी सी अलग पावरफुल बाइक चाहिए तो यू मस्ट गो फॉर KTM ड्यूक 125। आप अगर कॉलेज अप डाउन करते हैं, यू आर कॉलेज स्टूडेंट या ऑफिस आते जाते रहते हो, देन दिस बाइक इज़ फॉर यू गाइज। ये बाइक में आपको एवरेज भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, KTM इज़ द वर्ड फॉर इट। सी, मैं रुक गया अभी बट आई एम नॉट फीलिंग द वाइब्रेशंस एट ऑल। रास्ते के बीच में रुका हुआ, पर वाइब्रेशन स्टैंडिंग में ज़ीरो है, चलते वक्त बहुत कम है। यस, इट्स अ स्मॉल इंजन, वाइब्रेशंस का मैटर नहीं होने वाला है यहाँ पे थोड़ा भी। बहुत सारे 125cc के बाइक्स हैं इंडिया में ऑलरेडी। इंडिया वॉज फेमस एंड इंडिया इज फेमस टिल नाउ फॉर द 125cc एंड 150cc इंजन, बट 125cc का इंजन अभी तक कोई भी लिक्विड कूल नहीं निकाला था दोस्तों। KTM ने इंडिया में लाया है लिक्विड कूल इंजन। साइकोलॉजी इज लिटिल बिट डिफरेंट बट परफॉर्मेंस नो कॉम्प्रोमाइज। मैं बार बार परफॉर्मेंस इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाइक एक्चुअली स्पीड लेती है। सी दिस, दिस इज टोटली स्ट्रेन गाइज। 125cc से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप, बट दिस बाइक इज गिविंग टू मच। आई एम इन लव विद दिस बाइक। एक और चीज़ ऑब्जर्व की है मैंने इस बाइक में, गियर चेंजिंग इज वेरी लो गाइज। मैंने फिफ्थ गियर से स्लो डाउन किया, अल्टीमेटली मैंने गियर चेंज नहीं किया है, मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी गियर चेंज करने की। चलो मैं यू टर्न ले लेता हूँ यहाँ से। दिस बाइक इज टोटली स्ट्रेंज मैन। बाइक में जैसे ही रुका अभी टर्न के लिए, ओके, रुकने के बाद आई वॉज लाइक, जब भी मैंने क्लच दबाया मुझे ऐसा लगा कि बाइक गलती से शट डाउन हो गया है। इट वॉज नॉट शट डाउन बट द इंजन इज वे टू साइलेंट गाइज। सस्पेंशन सेटअप सॉफ्ट है। ओवरऑल इट्स अ लाइट बाइक, इट्स अ प्रॉपर
पावर्ड बाइक लाइक KTM, जैसे लोग BMW का लोगो के लिए क्रेजी है जस्ट फॉर द लोगो, पीपल डोंट केयर अबाउट द परफॉर्मेंस, KTM की ऐसी स्टोरी थोड़ी अलग है। लोगों को KTM ब्रांड चाहिए बट दैट इज नॉट फॉर द लोगो गाइस, बट दैट इज फॉर द परफॉर्मेंस एंड दैट व्हाट यू गेट इवन एट द 125cc कैटेगरी बाइक, दैट इज प्योरली अप्रिशिएटिंग गाइस। आई विल अप्रिशिएट दिस थिंग अबाउट द KTM। सो फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस बाइक, प्रॉपर फॉर एवरीवन। कॉलेज तो ठीक है, ऑफिस जाने वाले भी ठीक है। आई विल ऑल्सो suggest this bike for the guys who are beyond 40-50 age, jinko test chakna hai KTM ka, I will suggest this bike for you guys too. Se shuruaat kijiye guys, this is the start, this is the power. Aur ek aur cheez observe ki maine, iska radiator fan on hi nahi hua hai. I mean zyada टेम्परेचर बार अप नहीं हुआ, सी दिस टेम्परेचर अभी तक टच हो रहा है, टच हुआ ही नहीं अभी तक लास्ट मोमेंट तक, विच इज़ गुड। चलो निकलते हैं अभी, बस हो गया टेस्ट राइड।